अभी हमें अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस ईटानगर पे TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जिनका एग्ज़ाम हुआ था रिटर्न का जनवरी 2019 को, पूरे 10 महीने के बाद 6 नवंबर 2019 का इनका जो रिटर्न का रिजल्ट निकला, उन्हीं में 3497 कैंडिडेट्स में से 1018 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं वाइवा के लिए। हम यहाँ लेने आए थे वाइवा का अपडेट, तो हमने यहाँ के जो APCS के जो चेयरमैन है उनसे बात की और जानने की कोशिश की किस तरीके से वाइवा रखा जाएगा। तो सर का ये कहना था कि 6 दिसंबर जो नोटिफिकेशन में APCS कमीशन ने जो डेट दिया है 6 दिसंबर से ही स्टार्ट होगा, और लेकिन सर यही कह रहे थे कि अभी तक फिक्स नहीं हुआ कौन सा सब्जेक्ट को कौन से डेट में रखा जाएगा, वो जो कमीशन काम कर रही है। और सर ने ये कहा है कि 6 दिसंबर से पहले, एक मान लीजिए जो वाइवा रहेगा उससे 1 सप्ताह या 2 सप्ताह पहले ऑनलाइन में नोटिफिकेशन दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनके मोबाइल नंबर पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कमीशन की तरफ से। और साथ ही सर ने सबसे इम्पोर्टेंट ये कहा है कि अगर 6 दिसंबर से जो वाइवा स्टार्ट होगा, जैसे ही वाइवा ख़त्म होता है जो भी तारीख लीजिए, मान लीजिए अगर 24 दिसंबर को भी अगर ये ख़त्म होता है या 26 को भी दिसंबर को ये ख़त्म होता है, आखिरी दिन वाइवा का आखिरी दिन को ही जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर किया जाएगा कमीशन।